हेलो माय पीपल, सो आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। और आज है 17th of September और चलो हम चलते हैं अपने गणपति जी को घर लाने के लिए। वैसे तो गणेश चतुर्थी 19th को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर हमने सोचा हम आज ही गणपति जी को अपने घर ले। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। हम पहुंच गए हैं विजया बैंक लेआउट, जहां खूब सारी गणपति की मूर्तियां हैं और इन मूर्तियों में से हम अपने गणपति जी को सिलेक्ट करेंगे। तो चलो चलते हैं फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस। अभी तक तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सारे ही बड़े अच्छे लग रहे हैं, पर वो वाली फीलिंग नहीं आ रही कि हाँ यही गणपति जी को घर लेके चलना है। तो चलो फाइनली हमें हमारे गणपति जी और माँ गौरी मिल गई है। ये देखो ये कवर्ड है और अब इनको हम लेके चलेंगे अपने घर। जिन भैया से हमने गणपति जी और माँ गौरी ली है वो हमें यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं गणपति जी को गाड़ी में रखने के लिए, क्योंकि गणपति जी की मूर्ति बहुत हैवी है। तो चलो हम चलते हैं अपने गणपति जी को घर लेके। तो ये आ गए हैं हमारे गणपति जी हमारे घर। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। आज है 18th of September और आज है हरतालिका तीज। मम्मी ने हरतालिका तीज का व्रत रखा हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे ये भी शेयर करूं। तो चलो मैं आपको बताती हूं कि मम्मी क्या क्या कर रही है हरतालिका तीज में। तो मम्मी ने यहां पर कलश में पानी रखा हुआ है और उस कलश को कुमकुम से सजा रही है, या ये भी कह सकते हो कि उस कलश पर कुमकुम लगा रही है। और इस कलश में अब मम्मी ने डाला है अक्षत और मम्मी इसमें डाल रही है कुमकुम, मम्मी इसमें डाल रही है एक सिक्का और आपको एक चावल की कटोरी भी दिखी होगी। तो अब मम्मी क्या करेगी कि इस कलश पर पहले उसको रक्षा सूत्र से बांधेगी और उसके बाद इसमें आम के पत्ते रखेगी और वो जो कटोरी है ना चावल की वो मम्मी उसके ऊपर रख के ये ऐसे अपने कलश को सजाएंगी। यहाँ कलश जो है वो रेडी है और आप देखो वो जो चावल की कटोरी मैंने बताई थी उसके ऊपर मम्मी ने दीपक जलाकर रखा है। अब चौकी पर जो वो लाल कपड़ा बिछा हुआ है आप उस पर देखो, मम्मी ने मिट्टी के गणेश, पार्वती और शिव जी बनाए हैं। बहुत सारे लोग शिव और पार्वती की फ़ोटो भी रखते हैं पर हमारे यहाँ ये फॉलो करते हैं। तो अभी मम्मी शिव, पार्वती और गणेश को पानी से स्नान कराएंगी और उसके बाद दूध से भी स्नान कराएगी। और ये देखो हम सारे यहाँ पे मम्मी का साथ दे रहे हैं पूजा में। तो अब देखो मम्मी ने शिव पार्वती को पहले पानी से स्नान करा दिया है और अब मम्मी जो है वो दूध से स्नान करा रही हैं। पानी और दूध के बाद दही से स्नान कराया जाता है शिव, पार्वती और गणेश जी का। तो फिलहाल मम्मी उनका स्नान दही से करवा रही हैं। स्नान के बाद रक्षा सूत्र से अब इनको वस्त्र पहनाया जाता है। तो मम्मी ने अभी गणेश जी को वस्त्र पहनाया है और अब मम्मी पार्वती जी और शिव जी को वस्त्र पहनाएंगी। और यहाँ मैंने सोचा आपको बता दूँ कि शिव जी जो है उनको हमने राइट साइड रखा है और पार्वती जी को लेफ्ट साइड रखा है। चलो जब तक मम्मी पूजा की तैयारी कर रही है यहाँ मैं आपको बताती हूँ तीज के बारे में। तो जैसा कि मैंने पढ़ा है तीज जो है वो एक नेपाली वर्ड है और तीज का मतलब ही होता है तीसरा, तृतीया। तीज जो है वो न्यू मून के बाद जो थर्ड डे होता है मानसून में सेलिब्रेट किया जाता है। और तीज जो है वो तीन प्रकार की होती है, एक होती है हरियाली तीज, दूसरी होती है कजरी तीज और तीसरी होती है हरतालिका तीज।
तो फिर वस्त्र बनाने के बाद अब सात श्रृंगार की बारी है। तो मम्मी ने तीनों भगवान को फूल से सजाया है और अगर आप देखो तो पान के पत्ते पर मम्मी ने लौंग, इलायची और सुपारी भी रखा है। तो दैट इज़ लाइक अ माउथ फ्रेशनर फॉर द गॉड एंड द गॉडेस। तो अभी मम्मी डेकोरेट कर रही है अपनी चौकी फूलों से। भगवान का साज और श्रृंगार दोनों हो गया है और अब जो है मम्मी ने भगवान को यहाँ फल और मिठाई का भोग भी लगा दिया है और अब मम्मी जो है भगवान को अगरबत्ती दिखा रही हैं। और इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखोगे तो राइट हैंड साइड एक बांस की टोकरी है जिसमें सात श्रृंगार का सामान भी रखा है मम्मी ने। तो ये कहते हैं कि पूजा के बाद अगले दिन, दैट इज़ अभी इस केस में 19th of September को मम्मी या तो ये किसी पंडित को दान करेगी या तो किसी ज़रूरतमंद सुहागन औरत को ये दान करेगी। यहाँ मम्मी ने भगवान को अगरबत्ती दिखा दिया है और अब मम्मी जो है वो तीज का कथा पढ़ेंगी। यूजुअली मम्मी जमशेदपुर में पंडित जी को बुलाती है और पंडित जी जो है वो कथा पढ़ते हैं और मम्मी कथा सुनती है, पर यहाँ बैंगलोर में मम्मी खुद से कथा पढ़ रही हैं। जी ने कहा, भारत वर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु, भगवान, नदियों में गंगा। तो मम्मी ने कथा पढ़ लिया है और अब मम्मी हमारे घर के मंदिर में पहले आरती कर रही हैं। लेट्स गेट बैक टू माई नॉलेज शेयरिंग सेशन। हरतालिका तीज गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले सेलिब्रेट किया जाता है। प्रीडोमिनेंटली ये नेपाल, यूपी और बिहार की सुहागन औरतें करती हैं। इस दिन निर्जल उपवास रखा जाता है और ये जो व्रत है वो नेक्स्ट डे खोला जाता है। और मैंने ये भी पढ़ा है हरतालिका दो वर्ड से मिलकर बना है, हरत और आलिका। हरत मीन्स किडनैप, आलिका मीन्स बाय फीमेल फ्रेंड्स। मैंने पढ़ा है माँ पार्वती ने अपने सखियों को बोला था कि उन्हें किडनैप कर ले ताकि वो भगवान शिव से शादी कर पाए। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इस व्रत के बारे में, आप भी जाकर पढ़ो। यहाँ मम्मी की आज की पूजा संपन्न हो गई है और मम्मी अपना व्रत कल खोलेंगी। Till then, I would like to wish happy Tej to everyone who is fasting today for their husband's long life. Bhagwan, aapko aur aapke husband ko lambi umr de.